राज्य के बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ देंगे। उनका मानना है कि कोई भी गैर तमंद व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रह सकता। यह बात उन्होंने हिसार के पीडब्ल्यूडी विभाग के विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वह हिसार में जनता की समस्याएं सुनने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस बिना नेतृत्व के कार्य कर रही है। बिजली मंत्री ने दावा किया कि उनके मंत्री बनने से पूर्व बिजली विभाग का लाइन लॉस 30.2% था, जो अब केवल 17.4% रह गया है। इस कारण घाटे में चल रहा बिजली विभाग अब फायदे में चल रहा है। जेलों में मोबाइल मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब देश की संसद तक आतंकवादी पहुंच सकते हैं तो जेल में एक दो मोबाइल पहुंचना कोई खास बात नहीं। फिर भी उन्होंने मंत्री बनने के बाद जेलों में काफी सुधार के कार्य किए हैं। पहले जेलों के सुपरिटेंडेंट अपने आप को SPDC और जज समझते थे, मगर अब उन्होंने इस व्यवस्था को सुधार दिया है। इस दौरान यह भी बताया कि नवंबर तक राज्य में 9,000 ट्यूबवेल कनेक्शन बांटे दिए जाएंगे। उन्होंने 4 जिलों में स्मार्ट मीटर लगवाने के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही कहा कि बड़ौदा उपचुनाव भाजपा के लिए जीत साबित होगा। इस मौके पर मंत्री रणजीत सिंह ने 300 के करीब शिकायतों को सुना और उसके निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश भी दिए। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। बिना सेनापति के फौज की शक्ति क्या होती है? वो वैसी शक्ति होती है जैसे भेड़ बकरियों के झुंड के पीछे गडरिया नहीं हो तो वो इधर इधर चली जाएंगी, फिर 50 किलोमीटर इधर, 30 किलोमीटर इधर, पता ही नहीं लगेगा कहाँ गई। तो राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। अपने जनरल उनके सेनापति तलवारें ले रहे हैं, उन्हें भेज रहे हैं। सिंधिया चले गए, अब आपका सचिन पायलट चला गया, पहले चरण सिंह चले गए, जो देवीलाल चले गए, गोविंद नारायण सिंह चले गए, ममता बनर्जी चले गई, शरद पवार चले गए, जितने बड़े सेनापति थे सभी को अनाम करती। हरियाणा के संदर्भ में, हरियाणा के संदर्भ में मैंने पहले भी कहा था कि हुड्डा साहब भी मेरे देखो दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, हम दोनों बहुत करीबी दोस्त रहे हैं और अब भी हैं। मैं तो कई बार उन्हें कहता हूँ कि जाना आपको भी पड़ेगा, कितने देर बात करें, अगले चुनाव से पहले पहले हुड्डा साहब जी इस पार्टी में कोई गैरत वाला आदमी नहीं रहता। हमारा लाइन लॉस जो है इस वक्त 17.4 पे है, मतलब आप ये समझिए कि हमने 14% के करीब कम कर दिया। जब 1% कम होता है तो 150 करोड़ रुपया हमारा पावर डिपार्टमेंट का डिस्कॉम का प्रॉफिट खड़ा हो जाता है। तो हमने ये भी करा, 33,000 करोड़ घाटे में था, आज हम कोई 450 करोड़ रुपया प्रॉफिट में चल रही है। तो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का इतना तो देखिए, पार्लियामेंट तक लोग चले गए, 12-12 देखिए आप बात को आगू कर लें, वहाँ तक भी चले गए। जब सारे कांग्रेस की सरकार थी, व्यवस्था सारी उनके हाथ ही नहीं हुआ, तब पार्लियामेंट में भी चले गए थे उनकी बात। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होता, कभी ये बातें तो प्रमाणित हुई नहीं। कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है, पर हमारे यहाँ बहुत चेक करके आते हैं, कोई मोबाइल कहीं चले जाते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जाए। नंबर दो, अब इसके बाद देखें जो एक केस हुआ था हमारे गुड़गावा जेल में, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का था, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो पकड़ा गया वो सर्विलेंस में था कई दिन से जी। और उन्हें पता था कि ये नशा वशा अंदर भेज रहा है और ये दूसरों को फोन भी दे रहा है। अब जैसे आप कह रहे हैं दीवार से ना फेंके, ऐसे भी काम हो रहे थे जी। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास 11 SIM पकड़े गए जी। अब वो फोन तो थे उसके पास 11, और उसके बाद 250-300 ग्राम नशा भी पकड़ा गया जेल में भी उसका जाने का। तो जब उसे अरेस्ट कर लिया हमने, हमारा काम था केवल 6 घंटे में हमने FIR दर्ज करा, उसको अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करके उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जी। और जो चीज़ें थी जेल में हमें था वो सब बरामद कर ली। पुलिस और जेल प्रशासन हरियाणा सरकार ये काम कर सकती है, हमने तुरंत कर दिया। हमने जेल सुधारने के लिए, जेल डंडा मारने के लिए, इन जेलों में अब तक ये था कि जो स्टूडेंट जेल होता था वो समझता था DCP में ही हूँ, SPP में ही हूँ और सेशन जज भी मैं हूँ। उन्होंने जेलों में तकरीबन ये समझते हैं जो चाहे करें वो करने को रोक दिया, मैंने वो नहीं करने दिया। जेल के बाद मुझे तो 8 महीने हुए हैं, 5 महीने तो कोरोना था, हम उम्र मैं भी विजिट नहीं कर सकता था, सब जगह बहुत लोगों को जाना बाध्य था। अब इस राखी पे किसी जेलों पे लोगों को हमने राखी बांधे नहीं जाने दिया, ये करके हमने चाह रहे थे कि बहने जाके राखी बांधे, हमने लोगों को छोड़े भी हैं। 7,000-8,000 आदमी जेलों से छूट के पैरोल पे गए,
जो कभी नहीं, जैसे जिन्हें कहते थे कमिश्नर डेट नहीं लगा रहा, हमारे 3 दिन निकल गए, ऐसे 5-5, 7-7 दिन की मिलती थी। अब उन्होंने कहा भी जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हमें मिल गई थी, हमें ये डर नहीं था कि भाई तुम मकान बना रहे हैं, शादी करनी है बच्चों के, जाओ। इतने लोगों को हमने छोड़ भी दिया, हम भी तो ह्यूमन बींग है, हमने जेल को सुधारने का काम करना है। हमने कोई जो अंदर गए वो सारे मुलजम तो नहीं है, हार्ड क्रिमिनल तो 2 या 3% होंगे, 5 भी नहीं होंगे। तो हमने तो चाह रहे हैं कि वो जो आदमी अंदर है वो अच्छा बने, एक बढ़िया लाइफ में जाए, जिंदगी करे, अपने बच्चों को पाले। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.